गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अभ्यास का, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखो। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैंने आपको सूत्र बनाना सिखा रखा है भाई। मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg और Cl, ठीक है। Mg मैग्नीशियम के लिए और क्लोराइड के लिए Cl, 12 इसके परमाणु संख्या, 17 इसकी, 2, 8, 2, 2, 8, 7 क्या बनेगा? दो आउटर मोस्ट वाले अब साथ दे तो सकता नहीं, एक लेगा, तो एक का क्या फॉर्मूला आया? MgCl2, Mg का एक, Cl का 2। ये बना के दिखा रहा हूं आपको भाई, वैसे डायरेक्ट लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ, वो ये कहते हैं भाई कि फॉर्मूले बनाकर दिखाइए, इनके फॉर्मूले बनाकर दिखाइए, तब आपको ये सब करना पड़ेगा। बी क्या? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड के लिए Cl। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? 20 और Cl की 17, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 7 कितने हैं? 2। कितने की आवश्यकता है? 1 की। क्या बनेगा फॉर्मूला? CaCl2, क्या बनेगा? CaCl2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। थर्ड है, सी में क्या दिया? कॉपर नाइट्रेट। एक बात ध्यान में रखेंगे, कॉपर और जिंक नाइट्रेट आता है NO3 के लिए, इनका चार्ज 2 ही लिया जाता है भाई, कॉपर का और जिंक का। नाइट्रेट के लिए क्या था? नाइट्रेट पे 1, याद मैंने चार्ज लिखवाया भाई। इन आयंस पे NO3 पे भी 1 होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH पे भी 1 होता है। Cu को 1 मिला, NO3 को मिला 2, क्या बनेगा? CuNO3 twice, चार्ज बैलेंस हुआ। डी एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के लिए Al, क्लोराइड के लिए Cl, Cl क्लोराइड के लिए 13 हो गया Al का, 17 हो गया Cl का, 2, 8, 3, 2, 8, 7 आउटर मोस्ट में 3 आ गए, 7, 1 की आवश्यकता है, Al का 1, Cl के 3। क्या फॉर्मूला बना एल्यूमिनियम क्लोराइड का? AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3, कैल्शियम के कितना है? 2, 20 हो गया, 2 इस पे चार्ज होता है, सल्फेट पे, सल्फाइड पे, सल्फाइड पे और कार्बोनेट पे 2 अपना आवेश होता है भाई, 2, 8, 8, 2, 20 है ना, ये 20 बन गया 2 और इसका भी 2, होल नंबर रेशियो क्या होगा? 1, 1, तो क्या बनेगा? Ca का भी 1 और CO3 का भी 1। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला बना? CaCO3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए, तत्व कौन कौन से इनमें वो बताने हैं। ए में को क्या था? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूने का क्या फॉर्मूला होता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना होता है भाई। तो इसमें कौन कौन से तत्व है? में कैल्शियम, ऑक्सीजन, वे हाइड्रोजन है। बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr फॉर्मूला बनता है, हाइड्रोजन वैसे भी पता चलता है, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड ब्रोमीन, HBr डायरेक्ट लिख देंगे भाई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन व ब्रोमीन है उपस्थित है, ये तत्व है भाई, तत्वों के नाम है ये। उसके बाद सी बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3,
सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है, में क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन व ऑक्सीजन तत्व है। डी है अपना पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4 में पोटेशियम सल्फर व ऑक्सीजन उपस्थित है। ये तत्व विद्यमान है। तो ये हुए अभ्यास के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है, निम्नलिखित पदार्थों का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हमें यहाँ पे मोलर द्रव्यमान निकालना है। पहले में किसका निकालना है भाई, मोलर द्रव्यमान। मैंने इस चैप्टर के शुरू में ही आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें परमाणु संख्या व परमाणु द्रव्यमान लिखे गए थे। तो परमाणु द्रव्यमान से ही हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। भाई परमाणु द्रव्यमान परमाणु का होता है, मोलर द्रव्यमान मॉलिक्यूल का होता है यानी अणु का होता है। भाई तो क्या लिखेंगे, एथाइन का आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं या मोलर द्रव्यमान। एथाइन का क्या फॉर्मूला था भाई, C2H2 दिया है। तो कार्बन के एक का कितना होता है, 12, कितने हैं, 2, 2 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन के एक का कितना होता है, एक कितने हैं, 2, 2 गुना 1 कितना होगा, 26। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया आपका भाई, आपने निकालना है सल्फर अणु। सल्फर अणु एसेट का मोलर द्रव्यमान 8 × 1, सल्फर का कितना होता है भाई, 32। एक सल्फर का होता है 32, 16 परमाणु संख्या होती है सल्फर की 32, 8 × 16 हासिल 1, 8 × 24 = 25, 256। सी फॉस्फोरस अणु P4, मोलर द्रव्यमान 4 × 1, एक फॉस्फोरस का कितना दिया हुआ है, 31, 124 ग्राम भाई। डी दिया है हाइड्रोक्लोरिक अमल का मोलर द्रव्यमान क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का होता है 1 और Cl को होता है 35.5। ये याद रखने पड़ेंगे भाई आपको, मैंने वैसे टेबल आपको बनवाई है। 35.5 टोटल कितना होगा, 36.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, नाइट्रिक अमल का मोलर द्रव्यमान
हर एक जो अणु है, अगर बाई चांस किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट वाला एग्जांपल मैं उसी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है 16। 3 ऑक्सीजन है, 16 प्लस 16 प्लस 16, ये भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। और ये कितना हुआ 63। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ अपना 6। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बड़े ध्यान से करेंगे इसको।